काली को दो ना साहब, मेरा लौड़ा ले, लौड़ा लो ना मेरा, लेंगे the game, you get mentioning my name, we don't like what you say, I don't give a fuck, y'all can suck my dick. तो लोंडो क्या हाल चाल है, आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो वाले केस पे जो है कुछ अपडेट्स आई हैं, तो उस अपडेट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहली अपडेट ये है कि हितेश ने जो जोमेटो बॉय के ऊपर FIR कंप्लेंट की थी, तो वो FIR कंप्लेंट जो है अब दीदी को वापस लेनी है। नहीं मतलब क्या पुलिस वाले ही बोल रहे होंगे? चुतिया समझा मेरे को, चुतिया समझा क्या? बट हमारी दीदी को सुन के बहुत बुरा लगेगा कि जो FIR केस है वो अब वापस नहीं हो सकती, क्योंकि बात जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। सो इसलिए अभी तेशा इस केस से नहीं भाग सकती, उसको कोर्ट में आना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब दीदी जो है अपने केस से इसलिए पीछे हट रही है क्योंकि एक तो हेट मिल रहा है, और दूसरा जो है दीदी की सारी सच्चाई बाहर आ चुकी है, अब कोर्ट में जाकर क्या बोलेगी, क्योंकि कोर्ट में सच्चाई चलती है और सच्चाई दीदी के पास है नहीं। वहाँ पर दीदी रो नहीं सकती, ना ही अपना विक्टिम कार्ड खेल सकती है, तो दीदी फंस चुकी है, मतलब अब दीदी डर चुकी है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। बट सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि उसको आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। एंड सेकंड जो अपडेट है वो है हमारे जोमेटो बॉय के बारे में, तो हमारे कामराज भाई ने जो है हितेशा के खिलाफ FIR लिख दी है। तो ये FIR लिखी है बेंगलोर में 15 मार्च को, यानी आज 17 मार्च है, तो उन्होंने दो दिन पहले जो है हितेशा के खिलाफ FIR लिख दी थी। मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि कौन सा सेक्शन कौन सा धारा लगी है उसके ऊपर, तो अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो। तो गाइज मतलब ये जो फोटो है सबकी फेवरेट फोटो होगी अब तक, क्योंकि सभी लोग चाहते थे हितेशा के खिलाफ जो है FIR दर्ज हो और हितेशा को जो है सजा मिलनी चाहिए, और अब वो चीज़ हो रही है। तो जब हितेशा ने कामराज के खिलाफ FIR लिखी थी तब कामराज को जो है उसी वक्त अरेस्ट कर लिया था, तो क्या लड़की को पकड़ा भी था कि जब से FIR हुई है? खैर अब जो भी हो, सब लोग जो है कामराज के साथ हैं, ना कि वो फेक फेमिनिस्ट ब्यूटी मेकअप इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स भी फेक बढ़ा रही थी। वैसे हितेशा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो अपने गेम में खुद हार जाएगी बेचारी। तो बस गाइस यही अपडेट थी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुफ्त का खाना है तो सड़कों पर आकर भीख मांग लिया करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मुफ्त का खाना है तो सड़कों पर आकर भीख मांग लिया करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं, पर ये नाक तोड़कर जान जैसे एक्टिंग करके किसी गरीब की रोजी रोटी छीन लेना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है मेरे हाथों पे जब उसने मुझे लिफ्ट से निकालते। रुको जरा, सबर करो। फ्लैशबैक। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।